रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर के उप तहसील नमहोल में स्वच्छता को ठेंगा दिखाया जा रहा है और नमहोल में गंदगी पसरी हुई है। हम बात कर रहे हैं उप तहसील नमहोल के स्वास्थ्य केंद्र नमहोल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नमहोल के पीछे की तरफ पड़ी गंदगी की, जिससे कभी भी कोई बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। दिन प्रतिदिन अस्पतालों में स्क्रब टाइफस, निमोनिया तथा डेंगू जैसे खतरनाक मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन स्वच्छता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बिलासपुर के उप तहसील नमहोल में स्वच्छता को ठेंगा दिखाया जा रहा है और नमहोल में गंदगी पसरी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उप तहसील नमहोल के स्वास्थ्य केंद्र नमहोल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नमहोल के पीछे की तरफ पड़ी गंदगी की, जिससे कभी भी कोई बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। दिन प्रतिदिन अस्पतालों में स्क्रब टाइफस, निमोनिया तथा डेंगू जैसे खतरनाक मामले दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और बीमारियों के फैलने को न्योता दिया जा रहा है। गंदगी फैलने से अब स्कूल प्रशासन व अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि गंदगी की जगह से मात्र अस्पताल 10 मीटर की दूरी पर है तथा स्कूल में बच्चों को परोसा जाने वाली खाने की रसोई भी 10 मीटर पर ही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि स्वच्छता के प्रति कितनी लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही गंदगी को हटाया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। स्वास्थ्य केंद्र की पिछली तरफ इतनी गंदगी फैली है कि कोई ना कोई महामारी फैलने का दिन पर दिन जो है यहाँ डर पैदा हो रहा है और हर रोज़ नए नए मामले यहाँ पे, कोई टाइफाइड के आ रहे, कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा। यह स्कूल के साथ और नमहोल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पिछली तरफ इतना ढेर लगा है कि वहाँ पे मतलब वो कूड़ा, इतना कूड़ा कचरा फेंका गया है कि उस कूड़े कचरे को कोई भी वहाँ से नहीं उठा रहा। अतः हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस कूड़े को तुरंत से तुरंत वहाँ से उठाने की व्यवस्था करवाई जाए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की बनती है या स्कूल प्रशासन की बनती है या स्वास्थ्य केंद्र के जो अपने नमहोल में मतलब डॉक्टर या कोई अन्य यहाँ पे बैठे हैं उनकी बनती है।